200cc सेगमेंट में TVS अपाचे RTR 204V इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बाइक है। अभी 2020 में TVS मोटर्स ने TVS अपाचे RTR 164V के साथ साथ TVS अपाचे RTR 204V को हाल ही में BS6 अपडेट दे दिया है। TVS अपाचे RTR 204V को BS6 कंप्लायंट इंजन के अलावा कॉस्मेटिक्स एंड इलेक्ट्रिकल अपडेट भी मिला है। कुछ दिनों से आप सभी का रिक्वेस्ट था कि मैं जल्द से जल्द TVS अपाचे RTR 204V BS6 वेरिएंट का रिव्यू बनाऊं। और जैसे ही ये बाइक शोरूम में आया है, मैं आपके सामने दी ऑल न्यू TVS अपाचे RTR 204V का रिव्यू लेकर आ गया हूं। TVS अपाचे RTR 204V BS6 दो कलर वेरिएंट में अवेलेबल है। ये बाइक पर्ल व्हाइट एंड ग्लॉसी ब्लैक इन दो डिफरेंट कलर में अवेलेबल हो चुका है। आज की इस वीडियो में मैं TVS अपाचे RTR 204V BS6 का प्राइस, माइलेज, फीचर्स, स्पेसिफिकेशन के साथ साथ ये भी बताऊंगा कि इस बाइक में नया फीचर्स क्या क्या ऐड हुआ है। आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो का हर एक पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप सभी का स्वागत करता हूं दी बाइकर्स डायरी यूट्यूब चैनल पे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर दी बाइकर्स डायरी फैमिली से जुड़ जाइए और मेरा इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्राइसिंग की बात करें तो BS4 TVS अपाचे RTR 204V से लगभग 10,000 रुपीस प्राइस इंक्रीज हुआ है। TVS अपाचे RTR 204V BS6 वेरिएंट का एक शोरूम प्राइस कोलकाता है 1,26,500 रुपीस। ऑन रोड प्राइस एंड फाइनेंस स्कीम जानने के लिए डिस्क्रिप्शन पे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। दी ऑल न्यू TVS अपाचे RTR 204V BS6 रेस ट्यून्ड फ्यूल इंजेक्शन यानी RTFI टेक्नोलॉजी के साथ आ रहा है। RTFI एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसके चलते ये बाइक और भी फ्यूचरिस्टिक पावरफुल रेसिंग मशीन बन जाएगा। TVS अपाचे RTR 204V BS6 में 197.75cc ऑयल कूल्ड 4-valve फ्यूल इंजेक्टेड O3C इंजन मिलेगा जो 8500 RPM में मैक्सिमम 15.1 किलोवाट और 20.5 PS पावर एंड 7500 RPM में मैक्सिमम 16.8 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोवाइड करेगा। O3C टाइप इंजन में एक ऑक्सीजन सेंसर एंड हाई कंप्रेशन होता है जिसके लिए इस टेक्नोलॉजी का इंजन बेहतर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करने के साथ साथ फेदर टच स्टार्ट भी प्रोवाइड करेगा। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, इस बाइक में GTT फीचर्स यानी गाइड थ्रू टेक्नोलॉजी भी आपको मिल जाएगा जो इस सेगमेंट में पहली बार यूज हुआ है। और ये फीचर्स सिटी ट्रैफिक में आपको एक स्मूथ एंड कंट्रोल्ड राइड एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा। ये एक ऐसा फीचर्स है जिसके मदद से बिना थ्रॉटल घुमाए सिर्फ क्लच लीवर को छोड़ के आप स्लो मूव कर सकेंगे। हेवी ट्रैफिक में ये फीचर्स बहुत ही मदद करेगा। इस फीचर्स में फास्ट गियर में 7 किलोमीटर पर आवर, सेकंड गियर में 12 किलोमीटर पर आवर एंड थर्ड गियर में 17 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में बाइक चलेगा, वो भी विदाउट थ्रॉटल। TVS अपाचे RTR 204V में RT स्लीपर क्लच का यूज हुआ है। स्लीपर क्लच होने के चलते इस बाइक में एक्सेसिव इंजन ब्रेकिंग नहीं होगा और आप आसानी से स्मूथ डाउन शिफ्ट कर पाएंगे। दोस्तों, इस बाइक में 5-speed गियरबॉक्स का यूज हुआ है। माइलेज की बात करें तो दोस्तों, FI टेक्नोलॉजी के चलते पहले से माइलेज भी इंप्रूव होगा और 40-45 kmpl माइलेज भी आपको मिल सकता है। TVS अपाचे RTR 204V BS6 वेरिएंट अभी ड्यूअल चैनल ABS विद RLP के साथ आ रहा है। इस ABS यूनिट को नई टेक्नोलॉजी में बनाया गया है और रेस टैग में भी टेस्ट किया गया है। ये ब्रेकिंग सिस्टम आपको एक अल्टीमेट ब्रेकिंग प्रोवाइड करेगा। इस बाइक का फ्रंट व्हील में ड्यूअल पिस्टन कैलिपर 270mm रोटो पेडल डिस्क ब्रेक मिलेगा और यहाँ पे फ्रंट व्हील में ABS सेंसर प्लेट को भी देखने को मिलेगा।
एबीएस सेंसर प्लेट के ऊपर एक कवर भी मिलेगा जो डस्ट एंड मड से इस प्लेट को प्रोटेक्ट करेगा। इस बाइक का रियर व्हील में सिंगल पिस्टन कैलिपर 200 मिलीमीटर रोटोपेडल डिस्क ब्रेक दिया गया है। क्योंकि ये बाइक डुअल चैनल एबीएस के साथ आ रहा है, इसीलिए रियर व्हील में भी एक एबीएस सेंसर प्लेट देखने को मिलेगा। ओवरऑल लुक्स की बात करें तो दोस्तों, टीवीएस अपाचे आरटीआर 204V BS6 वेरिएंट में स्टिकर्स एंड ग्राफिक्स को भी बदल दिया गया है। अभी आप इस बाइक का ग्लॉसी ब्लैक कलर देख रहे हैं। फ्रंट की तरफ देखें तो एक नया हेडलाइट सेटअप आपको इस बाइक में देखने को मिलेगा। हेडलाइट का साइड काउल बॉडी कलर से मैच्ड है और इसमें रेड स्टिकर के साथ साथ कार्बन फाइबर टाइप स्टिकर भी मिल जाएगा। फ्रंट मडगार्ड बॉडी कलर जैसा ही है और इसके ऊपर में टीवीएस रेसिंग ब्रांडिंग भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। टीवीएस अपाचे आरटीआर 204V BS6 वेरिएंट में 12 लीटर कैपेसिटी वाला मस्कुलर फ्यूल टैंक मिलेगा। टैंक का मिडिल में रेड कलर का स्ट्राइप दिया गया है। टैंक का दोनों साइड में सिल्वर कलर में टीवीएस का 3D हॉर्स लोगो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। साइड की तरफ देखें तो सिल्वर कलर में आरटीआर बैजिंग के साथ साथ ब्लैक कलर का एयर स्कूप भी देखने को मिलेगा और इसके साथ साथ रेड स्टिकर एंड कार्बन फाइबर फिनिश स्टिकर भी मिल जाएगा। साइड पैनल मैट ब्लैक कलर का है और इसमें स्टिकर से अपाचे ब्रांडिंग किया गया है और ये साइड पैनल काफी हद तक एक्सटेंडेड है। टेल काउल की तरफ देखें तो टेल काउल में 204V ब्रांडिंग के साथ साथ रेड स्टिकर एंड कार्बन फाइबर स्टिकर भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। दोस्तों, इस बाइक में एक बेली काउल भी दिया जाता है जो इस बाइक को एक एग्रेसिव लुक्स दे रहा है। इस बेली काउल की राइट साइड में आरटी स्लीपर क्लच एंड BS6 ब्रांडिंग मिलेगा और लेफ्ट साइड में RTFI ब्रांडिंग किया गया है। फ्रेम एंड सस्पेंशन की तरफ देखें तो दोस्तों, टीवीएस अपाचे आरटीआर 204V BS6 वेरिएंट में अभी रेसिंग ओरिजिन स्प्लिट क्रैडल चेसिस का यूज हुआ है जो इस बाइक की स्टेबिलिटी पहले से 25% बढ़ा दिया है और ऐसा चेसिस इस सेगमेंट का कोई भी बाइक में आपको नहीं मिलेगा। इस बाइक का फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन के साथ साथ रियर में मोनोट्यूब फ्लोटिंग पिस्टन के साथ 7-स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन मिलेगा और इसी के चलते एक बहुत ही बढ़िया कंफर्टनेस आपको मिल जाएगा। दोस्तों, इस बाइक में आपको KYB का फ्रंट सस्पेंशन मिलेगा जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है और फ्रंट सस्पेंशन के सामने एक गार्ड भी मिलेगा जो डस्ट एंड मड से इस बाइक का सस्पेंशन को प्रोटेक्ट करेगा। टीवीएस अपाचे आरटीआर 204V BS6 का ग्राउंड क्लियरेंस 180 मिलीमीटर है। व्हील बेस है 1353 मिलीमीटर, सीट हाइट है 800 मिलीमीटर एंड कार वेट है 153 केजी। टीवीएस अपाचे आरटीआर 204V BS6 वेरिएंट में BS4 वेरिएंट जैसा ही स्प्लिट सीट मिलेगा। हालांकि मुझे लगता है कि पहले से थोड़ा ज्यादा फोम पैडिंग यहाँ पे ऐड हुआ है। रियर साइड में एक क्लॉ टाइप मेटल ग्रैबर यहाँ पे मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं इस बाइक का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट हेडलाइट यूनिट को लेकर। टीवीएस अपाचे आरटीआर 204V BS6 में क्लॉ टाइप LED DRL के साथ यूनिक शेप फुल्ली LED हेडलाइट यूनिट मिलेगा। ये हेडलाइट यूनिट अच्छी विजिबिलिटी के साथ साथ लॉन्ग डिस्टेंस फोकस भी प्रोवाइड करता है। सिर्फ यही नहीं, ये डिजाइन इस बाइक को एक प्रीमियम लुक्स भी दे रहा है। इंडिकेटर्स की तरफ देखें तो क्लियर लेंस वाला नॉन फ्लेक्सिबल टर्न इंडिकेटर्स फ्रंट एंड रियर दोनों साइड में ही आपको मिल जाएगा। टेल लाइट की बात करें तो दोस्तों, इस बाइक में पहले जैसा ही फुल्ली LED टेल लाइट मिलेगा। स्विच कंसोल की तरफ देखें तो प्रीमियम क्वालिटी का स्विच कंसोल इस बाइक में दिया गया है। लेफ्ट साइड में पास बीम, हाइलो बीम, इंडिकेटर, इन्फो स्विच एंड हॉर्न स्विच मिलेगा। राइट साइड में इंजन किल स्विच एंड इलेक्ट्रिक स्टार्ट स्विच मिल जाएगा। इस बाइक में अपलिफ्टेड स्प्लिट हैंडल बार का यूज हुआ है।
क्रोम फिनिश क्लच लीवर एंड ब्रेक लीवर इस बाइक में आपको मिल जाएगा। दोस्तों इस बाइक का और एक इंटरेस्टिंग पार्ट है और वो है इस बाइक का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। TVS Apache RTR 204V में व्हाइट बैकलिट वाला फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा। बाइक ऑन करते ही ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर 3, 2, 1 गियर अप गो दिखा के आपको वेलकम करेगा। दोस्तों ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर स्मार्ट एक्स कनेक्ट टेक्नोलॉजी के साथ लैस है। मोबाइल ऐप के मदद से आप इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में टर्न बाय टर्न नेविगेशन, लीन एंगल, कॉल एंड SMS नोटिफिकेशन, क्रैश अलर्ट, लो फ्यूल वार्निंग जैसे बहुत सारे यूनिक फीचर्स डेडिकेटेड इन्फो बटन के मदद से देख पाएंगे जो कि स्विच कंसोल में दिया गया है। इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में लैप टाइमर, 0-60 टाइमर, टॉप स्पीड रिकॉर्डर जैसे फीचर्स के साथ साथ रेव काउंटर, टाइम, स्पीडोमीटर, ट्विन ट्रिप मीटर, फ्यूल स्टेटस, ओडोमीटर जैसे कॉमन फीचर्स भी मिलेगा। इसके अलावा इंजन मैलफंक्शन इंडिकेटर, ABS इंडिकेटर, न्यूट्रल इंडिकेटर, लो फ्यूल इंडिकेटर, टर्न लाइट इंडिकेटर, हाई बीम इंडिकेटर जैसे कॉमन फीचर्स भी मिलेगा। व्हील्स एंड टायर्स की बात करें तो TVS Apache RTR 204V BS6 का फ्रंट व्हील में 90x90 साइज का ट्यूबलेस टायर मिलेगा। रिम का साइड बीट में TVS रेसिंग ब्रांडिंग भी किया गया है। रियर व्हील टायर की बात करें तो रियर व्हील में 130x70 साइज का ट्यूबलेस रेडियल टायर मिलेगा और यहां पे भी रिम का साइड में TVS रेसिंग ब्रांडिंग देखने को मिलेगा। रियर व्हील में एक टायर हगर भी आपको मिल जाएगा और इस टायर हगर में RTR ब्रांडिंग भी किया गया है। फ्रंट व्हील टायर TVS का है और रियर व्हील टायर यूरोग्रिप का है। फ्रंट एंड रियर दोनों व्हील ही 17 इंच डायमीटर वाला है। लेटेस्ट सेफ्टी नॉर्म्स के चलते रियर साइड की दोनों तरफ येलो रिफ्लेक्टर एंड रियर में रेड रिफ्लेक्टर भी ऐड कर दिया गया है। एग्जॉस्ट की तरफ देखें तो थोड़ा बदलाव भी यहाँ पे हुआ है। BS6 एमिशन नॉर्म्स के चलते कैटालिटिक कन्वर्टर को यहाँ पे बड़ा कर दिया गया है और बाकी डिजाइन लगभग सेम रखा गया है। तो दोस्तों ये था दी ऑल न्यू TVS Apache RTR 204V BS6 वेरिएंट का एक डिटेल्ड वॉक अराउंड रिव्यू। मुझे तो ये बाइक बहुत ही अच्छा लगा, आपको कैसा लगा और इस बाइक के बारे में आपका ओपिनियन क्या है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मोटरसाइकिल एंड स्कूटर रिलेटेड अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, राइड सेफ, जय हिंद, चाओ।